ओम सभी को नमस्ते जी। अनमोल जीवन ओनली वन ड्रीम यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, हम शाहबाद मारकंडा के चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम से ये पार्क है। यहाँ पर आज हम खड़े हैं और कुछ साथी हैं हमारे साथ जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, जो पिछले 2-3 दिन से जो ये डे मनाए जा रहे हैं, रोज डे, प्रपोज डे, जो ये ड्रामा चल रहा है हमारे भारत में, हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्या है ये और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। हाँ जी साथी, हाँ जी, क्या नाम है साथी आपका? मनीष। इस भाई का नाम मनीष है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं मनीष? एमएन कॉलेज शाहबाद। एमएन कॉलेज शाहबाद, ठीक है जी। तो ये जो 2-3 दिन से डे मनाए जा रहे हैं, रोज डे, प्रपोज डे, तो इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये सब जो मनाए जा रहे हैं, रोज डे, प्रपोज डे, सब गलत है, हम इसके विरोध में हैं। जो 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे दिन, इस दिन हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे, हमें उनकी गंतजलि देनी चाहिए, ना कि ये वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए। हम सब इसके विरोध में हैं। इसका प्रभाव बहुत खराब पड़ रहा है, बहुत ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आप किस कॉलेज में पढ़ते हो? अम्बाड़ा कैंट गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है जी, क्या आपको लग रहा है कि इसका प्रभाव बहुत खराब पड़ रहा है समाज? हाँ जी, बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है इससे समाज का। कॉलेज में भी देखा है मैंने और पार्कों में भी देखता हूँ, यहाँ बस में भी देखते हैं, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लड़के लड़की अपने लेक्चर छोड़ देते हैं, क्लासेस छोड़ देते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, घर आ जाते हैं लेक्चर वगैरह लगाने के लिए, पर लेकिन बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है लेक्चर में, टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको ये जो दिन मनाए जा रहे हैं और आने वाला जो वैलेंटाइन डे है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सारे फालतू डे हैं जी ये। अगर जो हमारे आसपास कोई मर जाए तो हम त्यौहार नहीं मनाते, और अब तो हमारे देश के जवान मर रहे हैं तो ये तो कोई त्यौहार भी नहीं है वैलेंटाइन डे जो हम मनाएंगे, कोई हमारा त्यौहार नहीं है। तो क्यों मनाए इसे? तो आप क्या कहना चाहोगे इससे? बिल्कुल गलत है जी ये वैलेंटाइन डे। और इस दिन बस 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था और ब्लैक डे है, वो बलिदान दिवस के रूप में मनाना चाहिए, बलिदान का दिन होता है। इस दिन ना सभी युवाओं को, उनको जितने भी हमारे फौजी हैं जो हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर पर, उनको मतलब कि उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, और जो शहीद हुए हैं, हाँ जी शहीद हुए हैं, और जो वहां पर ड्यूटी भी दे रहे हैं सर, उनकी भी श्रद्धांजलि, मतलब उनकी भी प्रशंसा करनी चाहिए, उनका आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए कि हम उनके साथ हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम भी उनके साथ हैं, वे वहाँ रक्षा कर रहे हैं। दीपक जी का कहना है कि जो पुलवामा हमले में जो अटैक हुआ था, जो उसमें शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए 14 फरवरी को हमने। तो साथियों, मैं बता दूं आपको कि ये है क्या, जो ये वैलेंटाइन डे है क्या, ये कहीं भी हमारी भारतीय संस्कृति से नहीं जुड़ा है। यूरोप में क्या होता है, यूरोप के अंदर कभी भी पहले से ही जो चली आ रही थी परंपरा, और आज भी बहुत हद तक वहां पर जो लड़के लड़कियां बिना शादी किए साथ रहते हैं, तो वहां पे एक संत हुए थे रोम में, उनका नाम था वैलेंटाइन, जिन्होंने भारतीय सभ्यता के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, थोड़ी उन्होंने संस्कृति को हमारी पढ़ा था, और यहां से जानकारी लेने के बाद उन्होंने यूरोप में जाके इसका प्रचार किया, और जगह जगह पे वो भाषण देते थे, जिससे कि शादी करके हमें साथ रहना चाहिए, ऐसे किसी के साथ नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे युवाओं को इसके बारे में समझाया और बहुत सी शादियां करवाई यूरोप में। तो जो वहां का रोम का राजा था, उसने उसको दंड देने की ठान ली वहां पे, किसको फांसी का दंड दे दिया जाए। और वहां यूरोप में क्या होता है, जब फांसी देते हैं तो खुले चौक पे देते थे, और जिनकी उन्होंने शादियां करवाई थी वो सभी वहां इकट्ठा हुए, उन सबके सामने उसको फांसी दे दी गई, और वो उसकी याद में हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने लगे। जबकि हमारी संस्कृति से ये कहीं भी जुड़ा नहीं है, कहीं भी। ये क्या है, युवाओं ने आज का बेकार का एक फालतू का, जैसे इस भाई ने बताया था, कि एक ड्रामा सा चला दिया। 4-5 दिन जो दिन चलते हैं, रोज डे, प्रपोज डे, जो लड़कियों को परेशान करते हैं कुछ लड़के, और कुछ लड़कियां और लड़के जो कुछ पार्कों में हम देखते भी हैं, एक साथ बैठे रहते हैं, जो गलत संदेश जाता है समाज को, यह कहीं भी हमारी संस्कृति में नहीं है। तो हम सभी ने मिलकर इस दिन का विरोध करना चाहिए, जो ये 4-5 दिन चले हुए हैं इन सभी का विरोध करना चाहिए, और जो 14 फरवरी आने वाली है उसका भी हमें डटकर विरोध करना चाहिए। और इस दिन 2019 में पुलवामा में जो अटैक हुआ था, उसमें हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे, उन जवानों को श्रद्धांजलि हमने देनी है 14 फरवरी को, उनको नमन करना है, ना कि वैलेंटाइन डे कुछ मनाना है। तो मैं आप सभी साथियों से यही निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप उन युवाओं तक पहुँचाएं जो इन दिनों में, जो है 2-4 दिन है इनमें पूरे तरह से मिले हुए हैं, जैसे इनको अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, उनको समझाओ कि ये है क्या, और ये वीडियो उन अध्यापकों तक आप पहुँचाओ जो कॉलेज या स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं,
जो ट्यूशन सेंटर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत से ज्यादा युवा आते हैं और अगर वो उनको समझाएं तो एक मुहिम शुरुआत होगी और ये नहीं शुरुआत होगी बिल्कुल नहीं कि इसका विरोध होने लग जाएगा। जितने ज्यादा से ज्यादा युवाओं के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, करो सभी अध्यापकों तक, कॉलेज में, स्कूल में, सभी अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनमें सभी में इस वीडियो को आप पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे हम इसका विरोध कर सकें और अपने जो हमारे शहीद हुए थे पिछले साल उनको एक श्रद्धांजलि दे सकें। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।